नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम अंडरस्टैंड द सेल्फ बुक के अंतर्गत जो श्रवण व्यवहार है उसके बारे में समझेंगे। श्रवण यानी सुनना, जो सुनने का जो कौशल होता है वो प्रत्येक व्यक्ति में जन्मजात होता है और हम वह सभी बातें सुनना पसंद करते हैं जो हमको आनंद प्रिय लगती है और हम हमारे मन को भाती है। इसलिए श्रवण व्यवहार के अंतर्गत हमको समझना होगा कि शिक्षक होने के नाते हम बालकों के अंदर एक ऐसी आदत का निर्माण करें जिसके माध्यम से वह सुने, क्योंकि जब सुनेगा तो वह बातों को समझ सकता है, ज्ञान को समझ सकता है। इसलिए श्रवण व्यवहार बालकों के अंदर होना बहुत ही जरूरी है ताकि वह अपनी ज्ञान को बढ़ाने वाली जो नॉलेज, ज्ञान को जो बातें हैं उन बातों को समझ सके और सीख सके। इसलिए एक शिक्षक होने के नाते हमको ये कौशल निर्मित करनी है। अगर हम ये कौशल निर्मित कर लेते हैं बालकों के अंदर तो हम बालकों को बेहतर श्रोता बना सकते हैं और वो अपनी इंपॉर्टेंट बातों को अच्छे से जान सकते हैं। आइए हम एक शिक्षक होने के नाते बालकों के अंदर किस तरह से परिवर्तन ला सकते हैं और किस तरह से उनके अंदर एक सुनने का कौशल ला सकते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रवण व्यवहार। अगर हमने बालकों के अंदर श्रवण व्यवहार ला लिया, बालकों के अंदर ये इस तरह का कौशल निर्मित कर लिया तो हम काफी परिवर्तन ला सकते हैं और एक शिक्षक हो और एक शिक्षक की जो अपनी हमारा कर्तव्य उस कर्तव्य को पूर्ण कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा है छात्र ध्यान पूर्वक सुनता है। अगर हमने किसी बच्चों के अंदर स्किल ला ली तो हम जानेंगे कि बच्चे ध्यान पूर्वक सुनते हैं। ध्यान पूर्वक यानी कि वो किसी बात को अच्छे से समझते, अच्छी बात किसी बात को अच्छे से जानते और वो एक मन से एकाग्रता से किसी बात को सुनते हैं। सेकेंड है, छात्र सुनने में शिष्टाचार का पालन करता है। शिष्टाचार, जब बच्चों के अंदर मैनर्स होगा तो वो दूसरों को रेस्पेक्ट देता है, वो दूसरों की बात को इतने आदर और सत्कार से सुनता है कि उसमें शिष्टाचार अपने आप आ जाती है, वो किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं करता है। और जब व्यवधान नहीं आएगा तो सामने वाला जो बोलने वाला पर्सन होगा वो भी सहज और आसानी रूप से अपनी बातों को बोल सकता है। तीसरा है, छात्र श्रवण के समय मनोयोग पूर्ण होकर सुनता है। जब बच्चों के अंदर अब इस तरह की स्किल होगी, इस तरह से व्यवहार परिवर्तन आएगा तो वह अपने पूरे मन और योग यानी पूरी एकाग्रता अपने मन के साथ उस बात को सुनता है। अगला है, छात्र पहले से मन स्थिति बनाता है। बच्चों को अगर अंदर इसके अंदर ये स्किल होती है तो वो पहले से अपनी एक मन स्थिति बना देता है कि उसको किस तरह से सुनना है। जैसा कि हमको कोई चीज पसंद होती है और हमको जब वो सुनने का मौका मिलता है तो हमारे मन में पहले से हम माइंड बैठा देते हैं कि हमको उसको किस तरह से सुनना है। अगर हमारी पहले से तैयारी होती है उसके प्रति तो हम उसको आसानी से और सहज रूप से सुनते हैं। अगला है, वक्ता के कथन में प्रयुक्त शब्दों, उक्तियों, मुहावरों को समझता है। अगर ये भाव आ जावे, व्यवहार आ जावे इस श्रवण का, तो वक्ता जो कथन कह रहा है उसमें जो प्रयुक्त जो शब्द है, जो उक्तियां हैं, जो मुहावरे हैं, जो वक्ता अपने स्पीच में कर रहा है, अपने कथन में कर रहा है, उसको हम आसानी से समझ सकते हैं, बालक उसको आसानी से समझ सकता है। अगर ये समझ में आ गया इसका मतलब है उसके अंदर श्रवण व्यवहार आ चुका है और वह अब आसानी से किसी भी बात को समझ सकता है। अगला है, वह श्रुत सामग्री के विषय को जान सकता है। श्रुत यानी कि जो सुनी हुई सामग्री है, उस विषय, वो विषय किस एरिया से किस उद्देश्य सिखाया जा रहा है, उस उद्देश्य को भली भांति सहज भी समझ भी सकता है और भली भांति जान भी सकता है। अगला है, वह श्रुत सामग्री में से महत्वपूर्ण भावों, विचारों, तथ्यों का चयन कर सकता है। जो श्रुत सामग्री है, जो सुनी जा रही है, उस सामग्री में कौन सी भाव है, कौन से विचार है, कौन से तथ्य है, उस तथ्यों को आसानी से समझा जा सकता है। अगर उन तथ्यों, भावों और विचारों को समझ लिया है, इसका मतलब उसके अंदर श्रवण कौशल का भाव निर्मित हो चुका है। अगला है, वह श्रुत सामग्री का सारांश ग्रहण कर सकता है। जो भी कहा जा रहा है उसको हम पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन अगर उसको हमने उसको ढंग से सुना है तो उसका सारांश कैसे निकाला जाता है, उसकी समरी कैसे निकाली जाती है, ये भाव भी अंदर आ जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमको सारांश निकाल लाना चाहिए। हम सारांश का मतलब है उसकी मुख्य बातों को जानना, उसके विचारों को जानना, उसकी वो क्या कहना चाह रहा है उस बात को जानना, वो तभी हो सकता है जब हमारे अंदर श्रवण व्यवहार होगा, ये कौशल होगा। इसलिए हम स्वयं के अंदर और बालकों के अंदर इस कौशल का निर्माण करना बहुत ही अच्छे से जरूरी है। अगला है, वह वक्ता के मनोभाव को समझ सकता है। वक्ता के जो मनोभाव यानी जो मन के भाव है, कि वक्ता जो भी बोल रहा है यानी बोलने वाला जो पर्सन है, वो अपने भाव को मन से बोलता है और उसके मन में किस तरह के भाव उत्पन्न हो रहे उसको जानना और उसको समझना
अच्छे से जरूरी है, और वो तभी सब जरूर समझ सकते हैं हम जब अंदर श्रवण व्यवहार, यानी कि हमको शिष्टाचार भी निभाना है और हमको मनोयोग से भी करना है। जब हम ये दोनों बातें कर लेंगे, समझ लेंगे, तो हमारे श्रवण व्यवहार आ जाता है, और इसी श्रवण व्यवहार से हम कह सकते हैं कि हम उसको मनोभाव से समझ सकते हैं। इसलिए मनोभाव को समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अगला है, वह वक्ता की अभिव्यक्ति को समझता है। जो वक्ता की जो अभिव्यक्ति है, यानी कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी क्या कथन है, उस अभिव्यक्ति को भी समझ सकता है। तो ये बातें श्रवण व्यवहार में लागू होती है, और शिक्षक होने के नाते हमको बालकों के अंदर श्रवण का व्यवहार का निर्माण करना चाहिए। और हमने अगर श्रवण व्यवहार निर्माण कर दिया तो हम पाएंगे कि बालकों के अंदर इस तरह के व्यवहारों में परिवर्तन आएगा, और वह अच्छे से अपने अंदर एक सुनने की स्किल को डेवलप कर सकता है। साथ ही साथ हमको प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर का जो लेवल होता है, उस लेवल का भी ध्यान रखना होगा कि हम प्राथमिक लेवल पर जो कहानियां होते हैं, कविताएं होती है, इस तरह के इसको बालकों के सामने सुनाएंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर छोटे मोटे जो वाद विवाद होते हैं, छोटे छोटे जो स्पीच होती है, इसका आयोजन करेंगे, और समय समय पर जिस जैसा बालकों का लेवल होगा उस लेवल का ध्यान रखकर हमको शिक्षण करवाना होगा, और बालकों के अंदर ये श्रवण का भाव निर्मित करना होगा। क्योंकि जैसे कि लेखन है तो उसी तरह श्रवण है, जब तक ये भाव नहीं आएगा शिक्षण नहीं हो सकता, और संप्रेषण के लिए ये बहुत ही अच्छे से जरूरी है। थैंक यू स्टूडेंट्स। जैसा कि अब आपको पता है कि ये जो समय चल रहा है, इस समय ने हमको काफी कुछ सिखा दिया है। ये समय हमारा कोरोना का समय है, और इस समय ने अब हमको सतर्क रहना सिखा दिया है। आप भावी शिक्षक हो, और शिक्षक होने के नाते अब आपको समझना होगा कि अब आपको स्वयं अपने परिवार और आसपास के परिवेश को जागरूक करना है। परिस्थितियों के हिसाब से अब आपको चलना है, और इस परिस्थितियों के साथ चलकर ही आप स्वयं को और अपने परिवार और अपने देश के लिए अपना एक अहम योगदान दे सकते हो। जैसे कि अब आपको 20 सेकेंड तक नियमित रूप से साबुन से अपना हाथ धोते रहना है, अपने हाथों को सैनिटाइज करना है, बाहर जो भीड़ भाड़ वाली जगह है उस पर जाने से बचना है, और जब भी जाओ तो अपने मुंह पर मास्क रखना है, और जरूरत हो तो हमको ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलना है। साथ ही हमको जो अनावश्यक वस्तु है, अधिकृत वस्तु है, जैसे उनको छूने से बचना है, जैसे कि हैंडल, जो दरवाजे होते हैं, कमाड़ होते हैं, इनको छूने से बचना है। ये छोटी छोटी सावधानियों से को ध्यान में रखकर ही हम कोरोना से बच सकते हैं, स्वयं को बचा सकते हैं, और अपने परिवार को एक सिक्योर लाइफ दे सकते हैं। थैंक यू। आपका गृह कार्य है, श्रवण व्यवहार क्या है स्पष्ट कीजिए। आज की कक्षा में हमने समझा श्रवण व्यवहार क्या होता है, सुनने की स्किल क्या है, इसी को आपको स्पष्ट करना है।